बरसात का मौसम हो और कुछ कुरकुरा खाने का मन हो या फिर अचानक घर पे मेहमान आ जाए तो ये पकौड़ा आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें ना हम बेसन यूज़ करेंगे, ना ही चावल का आटा और ना ही सोडा। एकदम फटाफट वाली रेसिपी है और खा के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल का कुरकुरा पकौड़ा। ये महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलर है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप मूंग की दाल ली है। दाल को हम आधे घंटा के लिए पानी में भिगो देंगे। तो यहाँ पे जितना दाल डूब जाए उतना पानी डाल दें और उसके बाद ढक के इसे आधे घंटा के लिए छोड़ दें। आधे घंटा बाद हम देखेंगे कि दाल यहाँ पे फूल गया है, तब हम इसे पानी से धो लेंगे और उसके बाद हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अगर आपको जल्दबाजी है तो गर्म पानी में 15 मिनट के लिए दाल को भिगो सकते हैं। तो यहाँ पे ये दाल डाल दिया मैंने। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से हरी मिर्च और ये लहसुन छीला हुआ। आप इसमें अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दें, 3 से 4 चम्मच पानी डालें, ज़्यादा पानी ना इस्तेमाल करें। जार का ढक्कन बंद करके हम इसे कोर्सली ग्राइंड करेंगे, मतलब दरदरा पीसना है, फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। दाल को जितना दरदरा पीसेंगे पकोड़े खाने में उतने ही क्रंची बनेंगे। तो यहाँ पे ये दाल डाल दिया मैंने। ध्यान रहे कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है ब्लेंड करते वक्त। अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़े से धनिया पत्ता या उसकी जगह करी पत्ता डालें। धनिया पत्ता और करी पत्ता दोनों से ये बहुत अच्छा लगता है, तो जो भी आपके पास है वो आप इसमें ऐड करें। फिर हम इसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे। तो आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, आधी छोटी चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दें, तो आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। मसाले जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे पकोड़े उतने ही टेस्टी बनेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसमें बस जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं। मिला दें इसे अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटर को मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया है, गाढ़ा रखा है। तो बैटर बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, हम इस बैटर में बेसन या फिर सोडा कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, बस इसे ऐसे ही तल लेना है। तो तेल में थोड़ा सा यहाँ पे बैटर डाल के देख लें, अगर ये ऊपर तैरने लगे मतलब तेल हमारा परफेक्ट गर्म है। तो यहाँ पर ये इसे निकाल देती हूँ मैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पकोड़े का मिक्सचर है वो गरम तेल में डाल देंगे। तो इसे एक बार ऐसे मिला दें और इसके बाद आप चाहिए तो इसे स्पून से या फिर हाथों से गरम तेल में डालें। ध्यान रहे कि अगर आप कुकिंग कम करते हैं तो स्पून का यूज़ करें और अगर आपको प्रैक्टिस है तो हाथों से इसे डालें। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे मिक्सचर लेके गर्म तेल में डाल देंगे हम। गैस का फ्लेम आप यहाँ पर मीडियम रखिए। इसके बाद हम इसे ऐसे हल्के हाथों पलट देंगे। ध्यान रहे जब ऊपर का टेक्स्चर पक जाएगा तभी आप इसे पलटें। और इसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे ऐसे दोनों साइड से पलट पलट के तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे आराम से पकने देंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर की लेयर तुरंत ब्राउन हो जाएगी और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसे ऐसे थोड़े से पेशेंस के साथ फ्राई कर ले, इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आपको पकौड़े और भी ज़्यादा फ्लफी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पकोड़े जो है वो बनके तैयार है। ये आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो आप चाहिए तो इसे पेपर किचन टॉवल पे निकालें या फिर ऐसे स्ट्रेनर पे निकाल लें ताकि ये ज़्यादा समय तक क्रिस्पी रहे। तो अगर आप इसे स्ट्रेनर पे निकालेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक क्रिस्पी रहता है। तो ये आप देख सकते हैं इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, बस दाल को ग्राइंड करना है और उसके बाद प्याज मसाले मिला के ऐसे फ्राई कर लेना है। इस पकौड़े में ना तो बेसन की ज़रूरत पड़ती है, ना चावल के आटे की और ना ही सोडा की। तो बरसात के मौसम हो या फिर घर पे गेस्ट आ गए और अचानक कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप फटाफट इस पकोड़े को बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दाल को आधे घंटा नहीं भी भिगोएंगे तो गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दें, तब भी ये पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये हमारे क्रिस्पी और मज़ेदार मूंग दाल के पकौड़े जो हैं वो बन के तैयार हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए आप इसे टोमेटो केचप और तीखी हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। ये देखिए, आप इन पकोड़ों को गर्मा गर्म चाय के साथ खाएं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप इन्हें बच्चों को भी दे सकते हैं और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची ना डालें या फिर उनके हिसाब से डालें। खाने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दें तो ये और भी टेस्टी लगता है। तो आप इस मूंग दाल के कुरकुरी और बहुत ही मज़ेदार पकौड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये पकौड़ा आपको बहुत पसंद आएगा। और जब आप इसे ऐसे केचप और चटनी के साथ मिला के खाएंगे ना तो इसका जो टेस्ट होता है वो दुगना हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।